बारहवीं अमल भक्ति अनुपावनी भक्ति। सतगुरु 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 स्वामी अमल भक्ति दे सतगुरु स्वामी। भक्ति भावनो बरण सुनाई तासे भिन्न चार पुनि बाई। नौ पल भाव वेद बतलावे जो जस करें भोग तस पावे। नौ की राह मुक्ति नहीं पावे दसवीं अविरल भक्ति लखावे। एकादश अनुपावन ले बार बार मुक्ति वर दे। हरि भया तो क्या भया जो करता हरता हो। साधु ऐसा चाहिए जो हरि भजन रमल हो। प्रेम भक्ति मोक्ष यानि मुक्ति देने वाली है। संत मत के अनुसार पूर्ण मुक्ति या सच्चे और अविनाशी मोक्ष का धाम सत्यलोक है, जहाँ अनामी पुरुष दया करके प्रेमियों की उमंग और अभिलाषा पूर्ण करने के लिए सत्य स्वरूप धारण करके विराजते हैं, प्रेमी हंसों को दर्शन देते हैं। प्रेमियों की उमंग पूरी करने और उनको खुशी बख्शने के लिए उनकी सेवा मंजूर फरमाते हैं। यह भेद भक्ति का रूप है। भेद भक्ति में प्रेम बढ़ता ही जाता है। सत्यलोक के आगे के दो धाम अलखलोक और अगमलोक बेहद प्रेममय, इतने अधिक पवित्र और दिव्य हैं कि उनका वर्णन किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता है। ये मुकाम परम संतों के विश्राम स्थल हैं। यहाँ की रचना न तो भेद सृष्टि में गिनी जा सकती है, न ही अभेद सृष्टि में गिनी जा सकती है। रचना के पवित्रतम धाम यही हैं। इसके भी ऊपर जो सबसे परे का धाम या ठिकाना है, उसे किसी प्रकार का धाम या मंडल या ठिकाना या पद या कैसी भी संज्ञा नहीं दी जा सकती। निज धाम या अनामी धाम तो अभेद मुक्ति का मुकाम है, और अलख लोक और अगम लोक की रचना अमल भक्ति की रचना है। भक्ति नाम प्रेम के प्रबल आकर्षण का है। यहाँ उसी पवित्रतम प्रेम का साम्राज्य है। सभी संत सूरतें या हंस प्रेम में निमग्न उसी प्रेम सिंध का रूप ही हो रहे हैं। इसे यों समझा जा सकता है कि जैसे मछली जो समुद्र में रहती है उसका जल से प्रेम है, ऐसी रचना हो कि जब मछली के उमंग उठे तो वह समुद्र में तद्रूप होकर समुद्र बन जाए। यानी जब उमंग और मौज हो तो वह प्रीतम में मिलकर प्रीतम ही बन जावे, और जब उमंग प्रेम के मिठास को महसूस करने की हो, प्रेम की मधुरता चखना हो, तब वापस मछली बनकर प्रेम जल में किलोल करे, यानी कि प्रेमी आसिक बन जावे। यानी वहाँ की संत सूरतें अपनी प्रेम की उमंग और हिलोर में कभी प्रीतम रूप और कभी प्रेमी रूप में किलोल करती है। यहाँ प्रेम निर्मल शब्द के रूप में है। सलिताज मिसिंध सिदारी सूरति रत शब्द बिचारी। जह सुन्नन सुन्नी न्यारी
मतमीन महासुन पारी, नहीं गुण निर्गुण मत जारी, निज नाम नियक्षर भारी, जहाँ पिंड ब्रह्मंडन तारी, तुलसी जय सुरति हमारी। भेद भक्ति यानी नवदा भक्ति, ज्ञान भक्ति और फिर प्रेम भक्ति में जो प्रेम तड़प और बेकली थी, जो विरह की तपिश थी, वो इस बारहवीं दशा में आकर प्रेम के अथाह सागर जैसी धीरता, गंभीरता, गहराई और परम शांति को प्राप्त हो गई। ऐसे प्रेमियों के रोम रोम में प्रीतम बसे हैं और जर्रे जर्रे में वे अपने प्रीतम को ही देखते हैं। निर्मल शब्द की रचना की शोभा या शब्द का जलवा या सत्य देश के सत्य शब्द की असल महिमा और जौहर इन्हीं मंडलों पर है। यह अमल भक्ति और उसका धाम इतना अधिक पवित्र है कि उसकी केवल चर्चा मात्र करने से और उसको प्रेम से याद भर करने से ही हम समस्त पाप ताप विकार से परे और निष्कलंक बनते हैं। वहाँ के शब्द की झनकार एक बार में ही हमारे आवागमन के बंधन काटने वाली है। वहाँ के शब्द की अद्भुत धुनों का कोई नमूना इस दुनिया में नहीं है। आसिक कव जूजो कीता, रोज कयामत ताई हूँ, विच नमाज रकुव सजूदे, रेंदे संजस बाही हूँ, एथे ओथे दोई जानी, सब फिकर दिया जाई हूँ, अरसा तो से मंजिल अग्गे, पैदा कम्मति नाई हूँ। प्रेमी कलमे से एक बार ही वजू करते हैं जिसका असर कयामत तक रहता है। वे दिन रात बंदगी में रहते हुए मालिक की चौखट पर सिर झुकाए रहते हैं। दोनों जहानों में प्रेमियों के लिए हर एक जगह ही मालिक की बंदगी का स्थान है। मालिक के प्रेमियों का मुकाम तो गगनमंडल की ऊंचाइयों से भी कई सौ मंजिलें परे है। यह अमल भक्ति सदैव ही समय और स्थान यानी देश और काल के निमित्त के परे है। देश और काल के निमित्त नीचे समाप्त हो जाते हैं, आगे केवल एकमात्र अपना प्रीतम सत्य शब्द और उससे अपना प्रेम का अगाध रिश्ता, जिसका कि कोई वार पार नहीं है, वही शेष बचता है। ऐसे निर्मल प्रेमियों के लिए ये कोई बंदिश नहीं है कि वे कहाँ रहे। सच्चे संत जगत में जब पदार्थ हैं तो उस समय भी वे परमात्मा में समाये रहते हैं। सदगुरु शब्द की भक्ति यानी शब्द के अभ्यास की इतनी भारी महिमा है कि इसी सत्य शब्द के अभ्यास से इस सदगुरु नाम में प्रेम से सुरत परमात्मा की जात में विलीन होने के लायक सुपात्र बन जाती है। सत्य देश के सदगुरु शब्द के अभ्यास को ही केवल इतनी भारी महिमा है कि इसी नाम के प्रताप से सुरत जीवात्मा काग दशा से इतनी ऊंची कि निर्मल हंस की दशा को हासिल कर सकती है। दूसरा कोई साधन यहाँ तक नहीं पहुँचा सकता। गोस कुतबहन उरे उरे रे, आसिक जान अगेरे हूँ, जेहड़ी मंजिल आसिक पहुँचन, गोसन पावन फेरे हूँ,
आसी कवि च विशाल देर दे लामकानी डेरे हूँ मैं कुर्बान तीनों ताजिन हाँ जातो जात बसेरे हूँ। कर्म कांड और बाहर मुखी साधन करने वाले उरले ही रह जाते हैं। सत्य शब्द की साधना करने वाले सच्चे प्रेमी ला मका पर डेरा करते हैं, जहाँ केवल एक प्रेम पुरुष ही है, जो सत्य शब्द के अभ्यास के द्वारा वापिस परमात्मा की जात के जैसे पवित्र बन गए हैं। हम उन नाम प्रेमियों पर सदा बलिहार हैं। ए अली आदि अंत अधिकारी प्रिय प्यारी प्रीत दुलारी हम की ना खेल पसारी सब रचना रीति हमारी करता नहीं काल पसारी हम अगम पुरुष की नारी ठुमरी कोई संत बिचारी तुलसी नित नीच निहारी। तेरहवीं अभेद भक्ति। सतगुरु 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 स्वामी अभेद भक्ति दे सतगुरु स्वामी। भक्ति की यात्रा जहाँ जाकर पूर्ण होती है, जो प्रेम पंथ का अंतिम गंतव्य स्थल है, वह अजर अनादि अनामी पुरुष का धाम है। सदगुरु कबीर साहब ने जिसे अकह लोक कहकर बयान किया है, वह अभेद भक्ति का मुकाम है। अमल भक्ति के द्वारा जो भक्त पूरी तरह निर्मल हो गया, वह प्रभु के निज रूप में तद्रूप होने लायक बन गया, तो फिर वह जब प्रभु में तद्रूप होता है तो वह अभेद भक्ति है। जैसे हिमालय के लंबे चौड़े विस्तार वाले ग्लेशियर में से बर्फ पिघल पिघल कर बूंद बूंद पानी बनकर पहले छोटी छोटी धाराओं में आता है, छोटी छोटी धाराओं का प्रवाह छोटे नदी और नाले बनते हैं, यही सब मिलकर फिर गंगा जी का रूप ले लेते हैं। वही गंगा समुद्र से मिलकर समुद्र में समाने के लिए गंगोत्री के गोमुख से रवाना होती है। कई पहाड़ों मैदानों को पार करते करते सुंदरवन में डेल्टा का रूप लेकर गंगा सागर में पहुंचकर समुद्र से मिलकर समुद्र बन जाती है। समुद्र का जल भाप बनकर जहाँ से गया था वापस वहीं पहुंचकर समुद्र बन गया। अब गंगा रूपी अलग संज्ञा भी समाप्त हो गई। निर्मल भया तो क्या भया निर्मल मांगे ठोर मल निर्मल ते रहित है ते साधु कोई और। उस अनामी धाम में प्रेमी और प्रीतम स्वामी और सेवक दो अलग अलग हस्तियां नहीं हैं, जो है सो एक ही है और वह कहने सुनने की क्षमता के बाहर है। वहाँ पहुँचकर बिरहिणी सूरत की व्यथा प्रीतम से जुदाई का कष्ट सदा सदा के लिए जब दूर हो जाता है तो उस पुरसकून असली और अस्थाई शांति की दशा में प्रभु में समाकर वह सूरत प्रभु ही बन जाती है। अब पुनः कभी जुदाई का अवसर आ ही नहीं सकता, क्योंकि अब वह प्रभु में समाकर प्रभु ही हो गई है। घट रामायण में सदगुरु तुलसी साहेब जी फरमाते हैं, ए गुइया पिय हम पिय एकी कोई फरक न जानो ने की कोई बूझे संत विवेकी जोई अगम निगम नहीं लेखी
जिन अटल अटारी पेखी पिय रूप नरेख अदेखी कोई कंथन पंथन भेखी तुलसी सब मार्ग छेखी। पूर्वी उत्तर एशिया के चीन जापान देशों में एक सुंदर परी कथा प्रचलित है। यह कथा पूरी तरह से काल्पनिक है किंतु मार्मिक और गूढ़ है। कहते हैं उत्तर ही उत्तर में जाते जाते जहाँ इस पृथ्वी की आखिरी सीमा आ जाती है वहाँ एक बहुत ऊंची, बेहद विशाल और चढ़ने और पार करने में दुर्गम दीवार है। उस दीवार पर कोई भी सरलता से नहीं चढ़ सकता। कोई शूरवीर, तेजस्वी, हिम्मती, मर्जीवा व्यक्ति ही चढ़ पाता है। इतनी कठिनता से जीवित मर्तक होकर जब कोई उस दीवार पर चढ़कर दीवार की परली तरफ की रचना में झांकता है तो उस पार की अद्भुत, विचित्र, सुखकारी, आश्चर्यमयी रचना को देखकर इतने जोर से हंसता है, इतना खुश होता है, ठाठे मार मार कर हंसता है कि फिर वह हंसता ही जाता है और उसकी हंसी फिर कभी रुकती नहीं। हंसते हंसते वह बावला और पागल जैसा हो जाता है। उस दीवार का नाम उस परी कथा में कह कहा दीवार है। जिन जिन ने उस कह कहा दीवार पर चढ़कर दीवार के पार की दुनिया देख ली वे सभी दीवार के उस पार की दुनिया में कूद कर चले गए और खो गए। ढूंढने से भी फिर उनकी खोज खबर और उनकी हस्ती वापस कभी नहीं मिली। उनमें से कभी कोई वापस नहीं आया। सदगुरु पलटू साहब फरमाते हैं, पलटू दीवाले कह कहा मत को झांकन जाय, पिय को खोजन में चली आप ही गई हिराय। खोजने वाला भक्त जो अपने प्रीतम को खोजने उस आठवीं अटारी या आठवें महल पर पहुंचा तो वही वहां का जादुई दस्तूर है कि जो प्रीतम को खोजने के लिए गया वो खो गया। लौट कर प्रीतम का समाचार देने के लिए कोई आया ही नहीं। आएगा कौन? जो साबित बचे तो वह आवे। पानी में एक मिस्री की डली डाली गई। कुछ देर बाद ढूंढने तो अब वह मिस्री की डली तो ढूंढने से वापस मिलेगी नहीं। शास्त्रों में इस बात का एक सुंदर सा उदाहरण और दिया गया कि नमक की एक पुतली बनाई और नमक के पुतले को रस्सी से बांधकर समुद्र की गहराई नापने के लिए, समुद्र की थाह लेने के लिए समुद्र में उतारा। कुछ देर बाद पुतली गायब हो गई, नमक गल गया, न पुतली वापस आवे न समुद्र के तल का कोई समाचार और भेद हमें बतावे। यही भक्ति की पराकाष्ठा यानी अभेद भक्ति है जो ले जाकर प्रेमी को प्रीतम में तद्रूप कर दे। प्रेमी प्रीतम में ही खो जाए, पीछे केवल एक प्रीतम ही रहे, पूर्ण अद्वैत या पूर्ण वहदत। पलटू साहब जी आगे फरमाते हैं, पलटू कह कहा जिन झांका उनका अब आवना क्या चाही। जिन्होंने अनामी धाम में पहुंचकर उन निज प्रभु का दीदार कर लिया उनके लौट कर आने की अब क्या संभावना। अब नमक की पुतली का अस्तित्व नहीं है तो वापस कैसे आएगी। यह जीवात्मा सूरत प्रभु में लीन और तद्रूप और एकाकार हो गई, लेकिन वह बहुत सुखद स्थिति है
उसका हूबहू तो क्या किंचित मात्र भी वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ प्रभु में तद्रूप होने का यह मतलब नहीं है कि प्रेमी सूरत उस प्रीतम प्रभु के मिलन का सुखद अनुभव नहीं कर सकती। वहाँ की रचना का वर्णन तो असंभव है, सदगुरु कबीर साहब जी ने फरमाया है। जो पहुँचा जानेगा वो ही कहन सुनन ते न्यारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। उस अद्भुत सुख के सागर में प्रेमी गण अनंत और अविरल सुख में मगन रहते हैं, जैसे आँख और आँख की पुतली, जैसे धूप के मध्य में मृग मरीचिका, जैसे जल और जल की लहर। धूप और मृग तृष्णा दो नहीं हैं, वहाँ स्वामी और सेवक दो नहीं हैं, केवल प्रेम सुख के अनुभव करने के लिए दो हैं। संतों ने फरमाया है, मिले एक संगा नहीं भिन्न अंगा, करे यो विलासा धरे भावदासा, जो मृग तृष्णा धूप मजारी, एक मेक अरुदी से न्यारी, त्यों ही सेवक स्वामी एका, सुख विलास यह भिन्न विवेका। उस अभेद पद पर सेवक और स्वामी का रूप या जात या उनकी राशि में किसी भी तरह की कोई भी भिन्नता नहीं हो सकती। फिर यह भी कहा जाता है कि वहाँ प्रभु अपने आप में लीन है, और यह भी कह दिया गया कि वहाँ प्रीतम और प्यारी सदा फाग खेलते हैं। सभी बातें पूरी तरह से सही है, ये बातें अलग अलग नहीं हैं। वहाँ की रचना इसीलिए अद्भुत और कहने सुनने के परे की है। तेज पुंज की सुंदरी, तेज पुंज का कंत, तेज पुंज की सेज पर दादू बण्या बसंत, पुहुप प्रेम बरखे सदा हरिजन खेले फाग, ऐसा कौतिक देखिया दादू मोटे भाग। हरिजन खेले फाग, पहले कोई सच्चा जन बना, उसका आपा यानी अहंकार का बीज ही सतगुरु नाम के अभ्यास और नाम के प्रताप से नष्ट हो गया, वही मोटे भाग वाला मर्जी व दास प्रभु की उस सुख लीला, प्रेम लीला और आनंद लीला का सहभागी बनता है। इसी प्रेम लीला के सुख को अनुभव करने के लिए, प्रेम के विस्तार के लिए यह तमाम रचना रची गई है, जिसमें पहले जुदाई है, वियोग है, वियोग का दुख और तड़प है, फिर मिलने का प्रयास यानि भक्ति है, और आखिर में प्रीतम में लय यानि तद्रूपता वाला अखंड मिलन सुख है। सेव्य को जाय के दास ऐसे मिले, एक सो होय पे एक वे न मिले, आपनो भाव दासत्व छोड़े नहीं, सो परा भक्ति है भाग्य पावे कहीं। उस मिलन या अभेद भक्ति को कुछ कुछ यों समझा जा सकता है, जैसे समुद्र में कहीं कहीं समुद्र ही जमकर हिमखंड बन गए हैं, वे न तो समुद्र के जल से भिन्न हैं, न उनका रूप स्थाई है। जल में हिम और हिम से जल समुद्र में बनता और मिटता रहेगा, यही सेवक और वही स्वामी हैं। सेवक सेव्य मिल्यो रस पीवत, भिन्न नहीं अरु भिन्न सदाई,
जो जल पिंड धर्यो जल बीचसु पिंड रु नीरजुदे कछु नाही। जो द्रग में पुतरी द्रग एक नहीं कुछ भिन्न रु भिन्न दिखाई। सुंदर सेवक भाव सदाय भक्ति परा परमातम माई। अभेद भक्ति सच्चे मालिक के भीतर ही है, बाहर या जुदा या अलग कुछ भी नहीं है। अभेद है इसलिए प्रभु में ही हैं, उसी में समाये हुए हैं, किंतु साथ में भक्त भी हैं। इसलिए प्रेम रस को चखने के लिए सेवक दास या प्रेमी बने हैं। वह प्रभु अविनाशी हैं तो सेवक भी अविनाशी है, यह कहना भी पूरी तरह से उस दशा का ठीक वर्णन नहीं हो सकता। सेवक भी अविनाशी है यह कहने की जरूरत ही नहीं है, सेवक तो स्वामी ही हो गया है। मिश्री की डली गल गई और गलकर पानी को और ज़्यादा मीठा बना गई। हरि में हरिदास बिलास करे हरि सो कब हूँ न बिछोह परे। हरि अक्षर त्यों हरिदास सदा रस पीवन कुय भाव जुदा। सृष्टि का मूल भाव या मूल उपादान यही एकत्व या एक का भाव या एकता है, जिसे एक ही संपूर्ण और परिपूर्ण सत्ता कहा जा सकता है। यही हकीकत है और रचना इस हकीकत के हक का पसारा है। जो द्वैत दिखाई देता है या जो द्वैत हमारे अनुभव में आता है, यह द्वैत मायावी है। एकता के लंबे विस्तार में एक जगह उत्पन्न हुआ भ्रम है। अनादि अवस्था अद्वैत की थी, तब भी उस अवस्था में सिवाय प्रेम स्वरूप प्रभु के और कोई नहीं था। फिर द्वैत की ब्रह्मपूर्ण स्थिति भी प्रकट हुई, जिसका कारक तत्व माया बनी। फिर प्रभु की यह अंश या जीवात्मा उस द्वैत या ब्रह्म में फंसी। उन्हीं दया सागर प्रभु की प्रेरणा से ब्रह्म और द्वैत में फंसी सूरत ने भक्ति माता को अपनाया। भक्ति की शरण लेने पर उन्हीं महिमा मई भक्ति माता ने द्वैत के महारोग को मिटाकर जीव को पुनः पीव से मिलाकर पीव बना दिया। इस पूरी लीला में प्रेम का इजहार, प्रेम का विकास और प्रेम का प्रसार हुआ है। प्रेम का प्रकाश और जोहर रचना में फैला और यही सच्चे प्रभु का रचना रचने का उद्देश्य है, ऐसा संत कहते हैं। अलिप अहद जद दित्त विखाली अज खुद होया फानी हूँ। कुर्ब विशाल मकामन मंजिल न उठ जिसमन जानी हूँ। न उठ इश्क मुहब्बत काई न उठ कौन मकानी हूँ। एनो एन थियो से बाहु सिर वह दत सुबहानी हूँ। जब उस एक परम सत्ता ने अपने आप को जाहिर किया, मैं अपनी खुदी को खोकर उसी में समा गया। तब कुछ न रहा, न नज़दीकी न मिलाप न पड़ाव न मंजिल न शरीर न आत्मा न प्रेम न प्यार न जुदाई न हद न बेहद। असल में समा कर मैं असल ही हो गया। उस अवस्था को प्राप्त कर मेरी अलग हस्ती या वजूद समाप्त हो गया। परम प्रभु में समा कर मैं रब्बी वहदत के राज का जानकार हो गया।
ऐसी अभेद दशा का जरिया इश्क यानी प्रेम बना। प्रेम वह चिंगारी है जिसके रोशन होने पर एक प्रीतम बचा और सिवाय उसके बाकी सब जलकर खाक हो गया। उन जलने वाली वस्तुओं में मैं और मेरा तमाम वजूद, मेरी पूरी दुनिया जलकर खाक हो गई। अब मैं तो यह मेरा स्थूल तत्वों से बना जिस्म पर हूँ और मालिक इसकी जान है, यानी मेरे तन का संचालक या चलाने वाला मैं नहीं, मेरा प्रीतम है। प्रेम की गली इतनी ही संकरी है कि इसमें दूसरे के समाने की जगह कहाँ है। जब राम अकेला रह गया, तन मन गया बिलाय, दादू भी रही तब सुखी, जब दरस परस मिल जाय, पिया चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देख्या सुन्यान कान। दिखाई सुनाई देने वाली संपूर्ण विविधता बड़ा धोखा या छल है। केवल एक सत्य स्वरूप सतगुरु दयाल जो प्रेम स्वरूप भी हैं, केवल वही और उतना ही सच है। जब तक हम अविद्या के पर्दे में कैद हैं, हमें वह एक नहीं दिखेगा और उनके अनेक रूप दिखेंगे। यदि असलियत या हकीकत या सत्य को अनुभव करना हो तो हमें उस परम सत्य में विलीन होकर अपना आपा मिटाना ही होगा। हमारा आपा यानी अहंकार ही झूठ की दीवार है। उस परम सत्य का साक्षात करके ही हम भी अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। हम भी सत्यवंशी हो सकते हैं, जो कि असल में हमारा रूप ही है। संतों द्वारा जारी किया गया सत्य शब्द का अभ्यास ही हमें परम सत्य से मिला सकता है। जब तक ऐसा न होगा या ऐसा न किया जाएगा, तब तक हम बदजात हैं। जहाँ जहाँ जातन थी वे बाहु, ताँ कम जात सदी वे हु, जाती नाल सिफाती नाई, ताँ हकल भी वे हु, अंदर भी हु बाहर भी हु, बाहु किथल भी वे हु, जेंदे अंदर हुब दुनिया दी, मूल फकीर न थी वे हु। जब तक जीव को सच्चे प्रभु की सत्य व अविनाशी सत्ता की उपस्थिति का भरोसा और एहसास नहीं होता, तब तक वह अपनी असल जात का न होकर कमजात ही है। परमात्मा को अपने अंग संग केवल दुनियात्मक नाम के सहारे से ही देख सकते हैं। मूल नाम की धुन अंदर व बाहर दोनों जगह व्याप्त है। घट में सत्य शब्द की दात को पाने वाले के लिए अब मालिक को और कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। शब्द का अभ्यासी शब्द के अभ्यास से परमात्मा का रूप ही हो गया है। दुनिया के आकर्षण के रहते प्रभु को प्राप्त नहीं किया जा सकता। सच्चे प्रेमियों को ही प्रभु के उस निज दरबार में प्रवेश है, यानी प्रेम में फना होकर ही कोई जीवित मरने वाला उस प्रभु में तद्रूप होता है। या जीते जी मरने से मतलब अपने अस्तित्व को प्रेम में विलीन कर देने से है। जो जगत के लिए जगत की दृष्टि से भी जगत से नाता तोड़कर इनके लिए मृतक तुल्य हो गए हैं, साथ ही जिन्होंने अपना आपा यानी अहंकार मिटा दिया है, वह एक ही सत्य
जीव के अंदर आत्मा रूप होकर और जीव के बाहर दुनिया रूप होकर मौजूद है। संसार के सभी प्राणी उस परम प्रभु के ताने और बाने की तरह गूंथे हैं, जो किसी जीवात्मा के अंदर इल्म यानी समझ बूझ बनकर विराजमान है, वही बाहर मुर्शिद बनकर समझाने वाला है और वही सत्य शब्द रूप बनकर जीव को निज घर तक पहुंचाने वाला भी है। सत्य एक ही सत्ता है और सर्वत्र उसी सत्य का प्रकाश है। वह दत दे दरिया इलाई आसिक लेंदे तारी हू मारण दुबिया कड्डन मोती आपो आपणी बारी हू दरयती मलये लसकारे जो चन लाटा मारी हू सो क्यों नाई हासिल बरते जो नौकर सरकारी हू। सच्चे प्रभु प्रेम का अखंड दरिया है, जिसकी मौजों में आसिक तैर तैर कर मगन रहते हैं। उनका अपना मौका या बारी आने पर इसी प्रेम के दरिया में से उनको अपने यानी उनके हिस्से का मोती यानी प्रभु का दीदार मिलता है, यानी उनका संबंध सच्चे शब्द से जुड़ जाता है। सच्चे प्रेमियों का जो कि मालिक के बंदे कहलाते हैं या उसके कृपा पात्र बनना चाहते हैं, उन सब का यह फर्ज है कि वे अपने प्रभु का सौंपा हुआ काम यानी बंदगी करें। जो सरकार का नौकर होता है उसका फर्ज है कि वह नौकरी पर अपनी हाजिरी भरे। यदि हम भी गुरुदेव के सेवक कहलाना चाहते हैं तो उनकी आज्ञानुसार बंदगी करना हमारा फर्ज है। इस भक्ति की शुरुआत संतों की शरण लेकर प्रभु के नाम के सुमरण को शुरू करने से होगी। भक्ति के बिना यह अनमोल तन एक दिन राख की ढेरी बनकर व्यर्थ में चला जाएगा। हमारा पूर्ण कल्याण नाम भक्ति में लग जाने में है। वही हमारे सभी रोग शोक और दुखों का हरण करने वाली है। साजन संत करो यह काम आनति आग जपो हर नाम सिमिर 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 सुख पावो आप जपो और नाम जपावो भगति भाय तरिये संसार बिन भगति तन होसी छार सर्व कल्याण सुख निदान सर्व कल्याण सुख निदनाम बूढ़त जात पाए विश्राम सकल दुख का होवत नास नानक नाम जपो गुणतास। भक्ति के ये 13 प्रकार हुए। दरअसल में भक्ति प्रेम का लंबा रास्ता है और ये 13 उसके सोपान या भक्ति की निशेनी के डंडे हैं। इनमें आपस में कोई विरोध नहीं है। सभी में प्रेम ही तत्व वस्तु या सार है, जो क्रमशः हर प्रकार की भक्ति में आगे से आगे उत्तरोत्तर ऊंचाई की तरफ बढ़ता जाता है। भक्ति के सभी प्रकार या भेद दूसरे अन्य प्रकार की भक्तियों की प्रगति में सहयोग देते हैं। जो आज प्रभु के नाम का सुमिरन प्रेम से करता है, कल वही उच्चतर प्रेमा भक्ति की ओर और परसों अभेद भक्ति को प्राप्त कर लेगा। जो आज संतों का संग साथ और सेवा करता है, वह भविष्य में निर्मलतम अमल भक्ति का भंडार प्राप्त करेगा। सभी तरह के भक्त प्रेम के स्वरूप हैं, इसलिए सभी प्रभु के प्यारे हैं और भक्त जगत के भूषण हैं। प्रभु के दरबार में केवल इस एक बात का ही मूल्य है
और भक्ति के बिना दूसरी किसी भी बात की प्रभु के दरबार में रत्ती भर भी गिनती नहीं होगी। गोसाई जी रामचरित मानस में स्वयं भगवान राम के मुंह से भक्ति की महिमा इस तरह करवाते हैं। भगवान सबरी से कह रहे हैं, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगति हीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखी जैसा। आप कहते हैं कि ऊंची जाति, खानदान, धर्म, बड़प्पन, मान मर्यादा, धन वैभव, बल, कुटुंबी जनों का संग और गर्व, सद्गुण और चतुरता जैसे गुणों के होते हुए भी बिना भक्ति यानि प्रभु के प्रति प्रेम के अभाव में ये तमाम गुण उसी प्रकार खोखले लगते हैं जैसे जल से खाली मेघ या बादल। भगवान ने कहा कि अलग अलग भक्तियों में से यदि किसी के एक तरह की भी भक्ति हो तो चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह स्त्री हो या चराचर जगत का कोई अन्य प्राणी ही क्यों न हो, भले ही पशु पक्षी ही हो, वही मुझे अतिशय प्रिय है। भगवान फरमाते हैं, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। ज्ञान, विवेक, वैराग्य और योग साधना का मार्ग सबके लिए समान रूप से खुला और उपलब्ध नहीं था। जो भक्ति प्रभु को इतनी प्यारी है, प्रभु से सीधे मिलाने वाली है, सबसे सरल है, जिसके अधीन ज्ञान विज्ञान सभी सद्गुण है, उसे संतों ने कलयुग में दया करके मानव मात्र के लिए समदर्शी भाव से सबको उपलब्ध करा दिया है। भक्ति गेंद चौगान की बावे कोई ले जाए, कहे कबीर कछु भेद नहीं कहा रंक कहराव। रामचरितमानस में गोसाई जी फरमाते हैं, जाते बेगी द्रवाओं में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई, सो सुतंत्र अवलंबन आना, तेयादीन ज्ञान विज्ञान, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला।